सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा सरगम के सितारे। नमस्कार, सरगम के सितारे। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका अनुपमा देशपांडे से। आपसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने, तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। नमस्कार, नमस्कार जी। अनुपमा जी, जो लोग आपको जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री में, इस फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से हैं। हाँ जी। और इतने लंबे समय से आप हर तरह की गायकी में हैं, फिर वो चाहे पॉप सिंगिंग हो, फोक सिंगिंग हो, भजन हो, या फिल्मों के लिए गाना हो, कुछ भी हो, आपने सभी में बहुत अच्छा कमाल दिखाया। तो हमें आप ज़रा ये बताएंगे कि ये गाने का जो शौक था, या गाने की जो शिक्षा थी, या गायकी जो है, ये आपको विरासत में मिली, या किस तरह से आपके अंदर ये गाने की जो कला है वो आई? ये विरासत में ही मिली। मेरा मतलब शादी से पहले मेरा नाम पूर्णिमा कैकिणी था। अच्छा अच्छा। कैकिणी मतलब आप दिनकर कैकिणी को जी जी जानते सभी जानते हैं, वो मेरे चाचा जी लगते हैं। मेरे पिताजी भी गाते थे बचपन में। जैसे एक 3-4 साल की हूँ मैं जी, उस वक्त से मुझे एक थोड़ा बहुत सिखाना शुरू किया था मेरे पिताजी ने। जी जी। वैसे बाद में थोड़ा बहुत सीखती गई, बहुत ज्यादा तो नहीं सीखी, लेकिन मुझे लगता है संगीत जो होता है वो पहले ब्लड में ही होना चाहिए, बाद में आप उनको सीख के डेवलप करते हैं। जी, तो अब बात आपने जैसे दिनकर कैकिणी जी की, तो ये भी जहन में आता है सवाल कि आप खुद फिल्म संगीत या इस तरह के संगीत की तरफ मुड़ गई, क्लासिकल की तरफ आप नहीं गई? क्लासिकल की तरफ एक बैड लक ही समझिए, क्योंकि मैं एक तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई जी, तो मैं ज़्यादा क्लासिकल नहीं सीख पाई। और वॉइस क्वालिटी एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए जैसे चाहिए, वैसे मुझे तो लगता है, लोग भी कहते हैं कि वॉइस क्वालिटी मेरी वैसे कमर्शियल है इसलिए। और क्लासिकल के लिए मुझे ये बहुत दुख है कि मैं क्लासिकल सिंगर क्यों नहीं बनी। कभी कोई बहुत अच्छा क्लासिकल मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि अब तो उतनी उम्र रही नहीं कि मैं अभी क्लासिकल शुरू करूँ। लेकिन दुख तो है थोड़ा बहुत, मैं क्लासिकल नहीं गाती। यानी ये अफसोस होता है, अफसोस है। लेकिन इसमें अफसोस करने की कोई बात है नहीं अनुपमा जी, क्योंकि आपने इस फील्ड में भी बहुत अच्छा नाम कमाया है और बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। हाँ, और एक बात कहना चाहूंगी कि क्लासिकल जो गाते हैं वो बहुत गुणी होते हैं, और लेकिन हम लोगों को क्या है कि 3 मिनट का अगर गाना हो तो जब हम लोग मुंह खोलते हैं माइक्रोफोन पे, उसी वक्त हमको सुर में गाना पड़ता है जी। 3 मिनट में हमको ये जो क्लासिकल सिंगर जो 3 घंटे में जो अपनी करामत दिखाते हैं, वो हमको 3 मिनट में दिखानी पड़ती है। यानी आपकी बात को अगर ध्यान से सुना जाए या समझा जाए, हाँ, तो आप ये कहना चाहती हैं कि क्लासिकल सिंगिंग से फिल्म सिंगिंग ज्यादा कठिन है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लासिकल सिंगर बहुत कठिन है, और क्लासिकल एक बेस जो होता है, क्लासिकल जरूरी है, बहुत जरूरी है, और वो बहुत मुश्किल भी है जी। मतलब उसमें बहुत सीखना पड़ता है, नहीं तो आप 3 घंटे क्या करेंगे जी। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है ना अनुपमा जी, कि ये जो क्लासिकल आपका बैकग्राउंड रहा है, हाँ, जो हाँ, आपने सीखा, वो आखिर आपको यहाँ फिल्म सिंगिंग में काम हाँ, आ रहा है? हाँ, क्योंकि मैं रियाज भी करती हूँ जी। क्योंकि सुर लगाना मतलब ही आपको क्लासिकल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। और
उस क्लासिकल बैकग्राउंड की वजह से ही आप फोक है या भजन है या पॉप है या कोई भी गाना है बिल्कुल आराम से गा लेती हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती सुर ना लगाने में ना सुर पकड़ने में। तो फिलहाल हम भी चाहेंगे कि कोई सुर का कोई नमूना हम आपसे सुन लें, आप कुछ गुनगुना दें, उसके बाद अपनी पसंद का एक गीत हमें सुनवा दें। अच्छा गुनगुना भी पढ़ हाँ चाहे तो आप बिल्कुल। अब अच्छा, सिंगर सामने हो और उससे अगर गुनगुनाने के लिए ना कहा जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। एक थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ, वो जो मुझे सोनी महिवाल में जो एक फिल्मफेयर अवार्ड मिला था जी, फिर एक गुनगुना के फिर मैं उसका एक किस्सा सुनाऊंगी आपको जी। बरसों पुराना है ये प्यार सोनिया है, बरसों पुरानी हर बात मुलाकात, नए नाम आजा जाओ सोनी चनाब दे। खूबसूरत गीत, बहुत खूबसूरत आवाज़ और अदायगी। इसके साथ ही हमें आपने बातों बातों में ये भी बता दिया, हालांकि हम भी जानते थे और हमारे दोस्तों को भी मालूम है कि इस गीत के लिए आपको फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। हाँ, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इस गाने के पीछे भी एक कहानी थी छोटी सी कि ये गाना आपको कैसे मिला और किस तरह से आप को ये गाना मिला और किस तरह से फिल्म फेयर तक पहुंच गई आप जी, तो जी। उस बारे में अगर आप बताएं तो उस
तो हमारे दोस्तों को भी पता चलेगा कि किस्मत क्या चीज होती है। हाँ, पुराने पुराने जमाने मतलब अब ये दौर आया है कि कोई भी सिंगर्स मतलब पहले कुछ साल पहले लता जी आशा जी के लिए रुकते थे या महीनों महीनों रुकते थे, अब इतने सिंगर्स हो गए कि आप फोन करो ये अवेलेबल नहीं है, दूसरी सिंगर आ गई ऐसे जी, जी। उस टाइम पे फिल्म के लिए सेट्स लगे रहते थे, फिर अगर सिंगर नहीं मिली तो फिर कोई एक फीमेल वॉइस या ऐसे एक सिर्फ एक शूटिंग के लिए गाना रिकॉर्ड करवाते थे, और बाद में जो फाइनल होता था वो जो बड़ी सिंगर्स जो मेन सिंगर होती थी जिनका नाम होता था उनसे गवा लिया जाता था। तो सोनी महिवाल फिल्म में अनु मलिक जी का म्यूजिक था जी, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैं डबिंग्स गाती थी, डबिंग मतलब यही मैंने आपको बताया जी, जी, जी। तो सोनी महिवाल के लिए मुझे डबिंग के लिए बुलाया, और ये बहुत बड़ा गाना 5 अंतरे का गाना, और सिंगिंग के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ एक म्यूजिक ट्रैक उनको ठीक चाहिए था, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही थी जी। तो फिर वो मैंने गाया, और इत्तेफाक से वो पूनम धिलन भी नहीं थी जी, तो मेहरा साहब को ये वॉइस अच्छी लगी, फ्रेश वॉइस, और शूटिंग के दौरान जब गाना चलता रहता है काफी देर तो उनको अच्छा लगा, और उन्होंने मेरा वही गाना रखा, और एक भगवान की कृपा जो डबिंग गाना रह गया और उसी को मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वाह, इसलिए मैं कहानी अपने दोस्तों को सुनाना चाहता था जी, ताकि पता चले कि किस्मत जो एक कलाकार को कहां से कहां ले जाती है, मेहनत बहुत जरूरी है, और मेहनत आपने बहुत की। हाँ। और आपकी बातों से ही पता चला कि उस दौरान आप डब गाने गाती थी, इस तरह की डबिंग की मेरे काफी गाने वैसे ही रह गए, यानी अच्छा वो दौर जो था हाँ। का वो एक संघर्ष का दौर हाँ, था जी, हाँ, एक गायिका बनने के लिए जो सीढ़ियां थी वो तय कर हाँ, रही थी हाँ। और इसमें मुझे कहीं शर्म नहीं है, कोई कोई बोलते नहीं, लेकिन मैंने कोरस से स्टार्ट किया था हाँ। और मुझे बहुत मतलब उसमें मुझे मैं बहुत फक्र महसूस करती हूँ, मैं कोरस से निकल के डबिंग से निकल के ऐसे मैं यहाँ तक आज पहुंची हूँ। लेकिन अनुपमा जी, ये कोरस तक आप पहुंचने का जो आपका सफर था, ये हाँ। क्लासिकल बैकग्राउंड से अचानक कोरस तक पहुंचने का जो सफर हाँ आपने तय हाँ किया, वो कैसे तय किया आपने, वो उस वहां तक आपको पहुंचाया किसने? हाँ, मैं वैसे आप जैसे बोल रहे हैं वैसे मैं क्लासिकल बहुत ज्यादा तो नहीं सीखी, लेकिन मराठी या जैसे भावगीत होते हैं, भक्ति गीत होते हैं, वो वैसे मैं प्रोग्राम्स करती थी, जैसे कभी गणपति के होते हैं वैसे, उसमें मराठी जो खड़े साहब या रिधनाथ जी इनके गाने बहुत मुश्किल होते हैं, उसमें क्लासिकल बेस तो चाहिए ही, तो इस टाइप के मैं गाती थी। तो प्यारेलाल जी, मैं वैसे मैं कर्नाटक साइड की हूँ, जैसे आपको मैंने बोला मैं कैकिनी, तो प्यारेलाल जी की मिसेस भाभी जी, वो पहले की शिरूर, वो कहीं दूर की रिलेशन है हमारा जी। तो प्यारेलाल जी के यहाँ पे जब गणपति में मैंने गाया था जी, एक आधा एक घंटा मैंने गाया था भजन वगैरह, तो उनको मेरी आवाज पसंद आई, और उस जमाने में मतलब काफी कोरस का काम निकलता था, और मुश्किल जैसे एलपी का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का सरगम में, उसमें तो पूरा कोरस में ताने वगैरह भी है जी हाँ, बैकग्राउंड में है आला वगैरह ये सब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कोरस क्यों ज्वाइन नहीं करती, तो मुझे एक ऐसा लगा चलिए एक इनकम भी हो जाती है और इंडस्ट्री में एक एंट्री भी मिल जाएगी जी, जान पहचान सबसे हाँ बनता जी, है हाँ जी, ऐसे करके मैंने कोरस शुरू किया था जी जी, प्यारेलाल जी के यहाँ से मैंने शुरुआत की। तो अब अनुपमा जी, हम फिर एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ सरगम की एक सीढ़ी है और वहां से हमें एक सुरीला सा गीत सुनना है जी। तो यहाँ आप हमें कौन सा गीत सुनवा रहे हैं? आप कोरस की बात कर रही थी, मेरा ख्याल हाँ। है कि सैलाब फिल्म का एक गीत जो था हाँ, उसमें हाँ, भी बड़ा कोरस था, हालांकि हाँ, वो आपका मेन गाना था वो, और उसने आपको बड़ी प्रसिद्धि दिलाई है हाँ जी। तो उस गीत के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी डबिंग के लिए ही मैं गई थी, उस गीत की चर्चा हम गीत हाँ, सुनने गीत के बाद क्यों ना बात कीजिए जरूर। Thank you.
अब ये गीत लोगों ने सुन लिया। हालांकि ये गीत लोगों ने सुन नहीं लिया है, सुनते रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी बड़ी फरमाइशें आती हैं इस गीत की और लोगों को भी बड़ा पसंद है। हाँ, तो अनुपमा जी अब खुद बताएं इस गीत के बारे में। और ये माधुरी जी का फेवरेट गाना है जो उनके टॉप टेन्स है डांस के, इसमें तो वो एक गाना होता ही है। ये सनी स्टूडियो में मुझे बपी लहरी जी ने डबिंग के लिए बुलाया। फिर इसमें क्या है, पूरा गाना कोरस है, सिर्फ हमको आजकल है इंतजार, ये जो मुखड़ा है वो बार बार आता है, लेकिन जब एक ही लाइन बार बार जब आती है उसमें वेरिएशन करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं अपने एक गाती चली गई और वहाँ पे जावेद साहब वगैरह उनको अच्छा लगा और यही गाना रह गया। और मुझे बहुत खुशी है कि गाना शूटिंग होने के बाद माधुरी जी ने पूछा कि ये किसने गाया, मतलब वो बहुत खुश हो गई ये गाना सुन के। अनुपमा जी, आप अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, हम आपके बारे, मतलब बहुत जल्दी हमने गानों के बारे में बातचीत शुरू कर दी और आपके करियर के बारे में बातचीत शुरू कर दी, थोड़ा सा पीछे हम जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप, जब आप छोटी थी या जब आप क्लासिकल की ट्रेनिंग ले रही थी, अपने चाचा जी के साथ गाया करती थी या उनके साथ जाया करती थी, तो कभी आपने सोचा था कि आप भी इस तरह से प्लेबैक सिंगिंग में जाएंगी? हाँ, एक है, मैं चाचा जी के साथ नहीं जाया करती थी, घर में ही मेरे पिताजी सिखाते थे मुझे थोड़ा बहुत, जैसे बच्चों को मुझे खेलना है लेकिन पकड़ के बिठा दिया मुझे कि सा लगाओ, या एक जैसे तोतले, इसमें भी मैंने सरगम गाए हैं, तो वैसे ही चलता गया। फिर मुझे एक मराठी गानों का बहुत शौक था, जैसे एक खड़े साहब जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तो वो मुझे लगता है कि वो जो पुराने गाने हैं मराठी, वो ही एक रियाज है, मैंने वो ज्यादा रियाज किया मुझे लगता है। नहीं, मेरा सवाल ये था आपसे कि उस समय आपने सोचा था कि आप प्लेबैक सिंगिंग में जाएंगी? बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या सोचा था कि आप क्या बनना चाहती हैं? नहीं, जिंदगी का कोई, मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन एक ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाऊं, या कुछ ज्यादा सोचा नहीं था क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी। तो अब सवाल यहाँ आपकी शादी से ही जुड़ा पूछ लेता हूँ। हाँ। जब आपकी शादी जल्दी हो गई तो फिर आपके पतिदेव ने कभी आपके गाने पे कोई रोक लगाई या नहीं, किसी नहीं, तरह से उनको कोई एतराज हुआ? मेरे पतिदेव, मतलब मेरी लव मैरिज में झंकार ऑर्केस्ट्रा करके पुराना एक होता था जी, तो उसमें वो रिदम बजाते थे, तो वो भी इसी फील्ड से थे। हाँ, पूरा सहयोग आपको मिलता रहा। हाँ, हाँ, मिलता और रहा। आपका करियर, और इवन मैं कभी लेट हो गई रिकॉर्डिंग से तो बच्चे छोटे हो, और एक तो जॉइंट फैमिली थी, लेकिन कभी स्टूडियो में लेने आना या ऐसे, मतलब उन्होंने बहुत मुझे बहुत एनकरेज किया इस लाइन में। आपने बताया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के, मतलब प्यारेलाल जी के यहाँ से आपके थोड़े से संबंध थे, रिश्ता भी रहा, और उनके यहाँ आपने गणपति में गाना गाया और इस तरह से, तो उन्होंने कभी आपको कोई फिल्म ऑफर नहीं की? फिल्म ऑफर तो नहीं की, लेकिन एक मर मिटेंगे फिल्म आई थी जी, उसमें एक हाय मेरे रब्बा करके एक गाना, वो भी मैंने डबिंग गाया था जी, फिर वो अच्छा लगा, वो माधवी एक एक्ट्रेस है जी, जी, साउथ की, उनका वो एक आइटम सॉन्ग था, तो वो मैंने उनका गाया था, और एक दो तीन डबिंग्स भी गाए मैंने, लेकिन कोरस में जरूर वो बोलते थे कि अनुपमा जी नहीं है, मतलब वो पूछते थे मुझे। अच्छा, लक्ष्मी जी, मतलब एक रिस्पेक्ट बहुत करते थे जी। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उनके पास और कुछ गाया अग्निपथ में, मतलब दो फीमेल सिंगर्स है, तो कविता जी के साथ गाया मैंने, अलका याग्निक जी के साथ गाया, वैसे उस टाइम पे बहुत आशा जी, लता जी, अनुराधा जी, काफी सिंगर्स इतने थे, और एक जो होता है कि जाके मिलो, एक याद रहता है ना कि जाके मिलना या फिर फोन करना, ये थोड़ा कम किया मैंने। अच्छा, उस तरह से प्रोफेशनल तरीके से आपने पूरा वो अपनी मार्केटिंग नहीं की? हाँ, मार्केटिंग नहीं की। अच्छा अच्छा, तो क्या वजह थी कि आप जब इतना अच्छा गाती थी और आपको अच्छे अच्छे ब्रेक्स भी मिले, बावजूद इसके आपने बहुत ध्यान नहीं दिया इसके इस तरफ, क्या घर में ज्यादा बिजी थी आप या? घर में ज्यादा बिजी थी मैं, लेकिन मुझे तो लगता है जैसे
दाने दाने पे खाने वाले का नाम, वैसे गाने गाने पे नाम लिखा होता है गाने वाले का। जी हाँ ऐसे ही। और जितना भी मिला मुझे एक मेरिट पे मिला और एक मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। अब किस गाने पे सुनने वाले का नाम लिखा है? अभी किशोरदा और ये किशोरदा और मेरा गाना फिल्म काश का है। अच्छा अच्छा, बहुत ही प्यारा गाना है। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो गाना सुनने के बाद मैं आपको। ठीक है जी, बिल्कुल। जी अब मुझे कुछ पूछने की जरूरत तो है नहीं। हाँ जी, आप खुद ही वो कहानी हमें बताएंगी। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प कहानी है। ये मुझे 84-85 में मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उसी साल किशोरदा को भी मिला था अवार्ड। और मैं तो हमेशा डबिंग गाती थी, तो किशोरदा एक मुझे एक बच्चे जैसे एक कुछ भी, मतलब उनसे मैंने काफी कुछ सीखा। तो ऐसा ऐसे गाने से एक्सप्रेशंस आते हैं, ऐसा गाओ ऐसे, मतलब एक बड़े भाई की तरह मुझे उन्होंने प्यार किया।
तो ये जब भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला उसके बाद कुछ 15-20 दिन के बाद मुझे ये काश फिल्म का डबिंग गाने के लिए बुलाया था। महेश भट्ट जी और राजेश रोशन जी का म्यूजिक था। तो महबूब स्टूडियो में मैं गई तो मुझे उन्होंने बोला कि अन्नू तुम डबिंग क्यों गाती हो, तुम डायरेक्ट उनको बोलना चाहिए। मैंने कहा किशोरदा अगर मैं उनको बोलूं तो ये जो डबिंग गा रही हूँ ना उसके लिए भी मुझे नहीं बुलाएंगे। तो उनको एक और डबिंग के वक्त क्या रिकॉर्डिंग के वक्त क्या होता था कि किशोरदा हेडफोन लगा के गा रहे हैं तो डुएट गाने में वो दूसरे माइक्रोफोन से उन सिर्फ उनके कान में मेरी आवाज़ जाती थी। तो उनका मन ही नहीं लग रहा था उस दिन, वो बेचारे मतलब एक मूड नहीं था उनका गाने का। फिर भी मैं उस माइक्रोफोन से गा रही हूँ, वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग मतलब एक फाइनल टेक चल रही थी। तो उन्होंने गाना रोक दिया, माइक्रोफोन पे बोला कि मैं नहीं गाऊंगा अभी। तो भाग के आए महेश भट्ट जी और राजेश रोशन जी भाग के आए, उन्होंने कहा क्या हो गया, बोलते ये लड़की नहीं गाएगी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं गाऊंगा, ये गाना इसी का रहेगा। और ये मुझे इस तरह से मिला। हाँ, उनका आशीर्वाद है कि मुझे इस तरह से ये गाना मिला। ये उनका बड़प्पन था, बड़प्पन था बहुत ही, और कला और, को पहचानने की उनकी। हाँ, और किशोरदा की बात कौन टाल सकता है। तो फिर ये भी गाया, फिर उसके बाद इमीडिएटली मुझे लगता है एक दो महीने के बाद कब्जा फिल्म आई थी जी, उसमें भी किशोरदा के साथ मेरा एक गाना था, तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता है। तो वो भी, तो वो गीत भी आप सुनवाना चाहती हैं? अगर आप सुनना चाहें तो बिल्कुल सुन लेते हैं जी। मिले बिन चैन नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे तो ये कहना भी नहीं आता मैं क्या करूं, या तुम्हारी आंख नहीं जाती मैं क्या करूं, कुछ भी करूं मुझे नींद नहीं आती मैं क्या करूं, तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे तो ये कहना भी नहीं आता मैं क्या करूं, या तुम्हारी आंख नहीं जाती मैं क्या करूं, कुछ भी करूं मुझे नींद नहीं आती मैं क्या करूं। ये मुश्किल आसान नहीं होती मैं क्या करूं, जान में जैसे जान नहीं होती मैं क्या करूं, तुमसे मिले बिन अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सरगम के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका अनुपमा देश पांडे से अमरकांत दुबे की बातचीत। अनुपमा जी, आपने अपने करियर की शुरुआत में पूनम ढिल्लों के लिए गाना गाया जो कि बिल्कुल नई नई फिल्म में आई थी, एक शायद दूसरी या तीसरी फिल्म थी उनकी, और इतनी फ्रेश वॉइस थी आपकी और बिल्कुल सूट कर गई। आपने जब जैसे बताया कि एफसी मेहरा ने सुना तो उनको लगा कि इससे सूटेबल वॉइस कोई और हो नहीं सकती, और लता जी और आशा जी के जो गाने थे आपने डब किए, और अभी जैसे आपने रीमेक्स में भी लता जी का गीत गाया, इन सब में आपको क्या फ़र्क लगता है?
में क्या सोचती हैं आप इनके बारे में? वैसे रिमिक्स तो जैसे लोग कहते हैं कि रिमिक्स नहीं होना चाहिए या जो भी, तो रिमिक्स में ये बहुत बुरी चीज़ तो है नहीं, अगर सोच के जो पुराना गाना जो है उसी को लेके, मतलब उस जो हाथ पैर तोड़ते हैं ना जैसे, मतलब एक जो उनका एक जो मेलेडी एक होती है उसको रख के अगर रिमिक्स करें थोड़ा सा हल्का फुल्का, क्योंकि पहले गानों के बोल इतने अच्छे होते थे। मतलब अच्छे भले स्वरबद्ध किए गए गीत को स्वरबद्ध करके ना गाया। हाँ जी हाँ जी। तो आजकल के जो बच्चे हैं जो टीनेजर्स, उनको अच्छा लगता है ये, क्योंकि एक वेस्टर्न म्यूजिक भी और पुराना गाना भी, लेकिन बहुत ज्यादा भी ये तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। आपने कौन कौन से रीमिक्सेस गाए हैं? मैंने एक पाकिजा का एक गाया चलते चलते, फिर उत्सव फिल्म का एक जो मन क्यों बहका जी वो गाया, और एक दो तीन गाए टाइम्स के लिए मैंने गाया भी। मुझे जी रीमिक्सेस का सिलसिला कैसे शुरू हुआ अनुपमा जी? मुझे लगता है वो जो झंकार बीट्स, मुझे लगता है वहां से शुरू हुआ होगा, क्योंकि मतलब उसमें भी आपके पतिदेव का हाथ है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। मैं पुराने झंकार, मतलब ये मुझे लगता है 25-30 साल पहले की बात है, ये जो झंकार ऑर्केस्ट्रा जी, ये झंकार बीट्स बाद में आया। जैसे कोई क्लासिकल गाना जो रसिका बलमा, मैं कहीं जा रही थी गाड़ी में तो रसिका बलमा जो एक जो गाना था पुराना बहुत प्यारा गाना जो लता जी का, उसमें भी मैंने झंकार बीट्स सुने हैं, उस गाने को भी उन्होंने कुछ बीट्स बीच बीच में डाले थे। मुझे लगता है वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ होगा। नहीं, आपका सिलसिला ये रीमिक्स के लिए आपको किस तरह से अप्रोच किया गया, और या आपने खुद अपने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली, मुझे ऐसे ही उन्होंने बुलाया, क्योंकि मैं जैसे कैबरे आशा जी स्टाइल के जो आइटम सॉन्ग्स या इस टाइप का मैं गाती हूँ ज्यादा, एक्सप्रेशंस वगैरह जी, तो और वर्षन भी मैंने काफी गाए विनस के लिए, तो शायद वही सोच के उन्होंने बुलाया होगा, क्योंकि वर्षन गाना मतलब क्या होता है कि, और मैं एक बात कहना चाहूंगी इसमें कि मैं वर्षन गाती थी, अभी तो वर्षन बंद हो गए, वर्षन गाती थी तो एक नजरिया जो होता है लोगों का जी, अरे ये तो वर्षन सिंगर है जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि नया गाना जो होता है ना वो ज्यादा इजी है जी, क्योंकि एक बड़े लोगों ने जो गाया हुआ गाना हमको गाना, उसमें कहां सांस ली है वो भी नोट करके मैं गाती थी जी। वैसे तो कभी मैं गा नहीं पाई, क्योंकि आशा जी लता जी जैसे कोई और 100 साल 1000 साल कोई नहीं आएगा आशा जी लता जी जैसे, लेकिन नया गाना जो है म्यूजिक डायरेक्टर जब सिखाता है ना तो वो मैं अपने स्टाइल से गाऊंगी जी। अगर एक जगह मुझे नहीं आई तो मैं उसको अपने हिसाब से मैं पेश करूंगी, मोल्ड कर लेंगे, मोल्ड कर लूंगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेरा फ्रेश गाना है जी। हाँ जी हाँ जी, मुझे लगता है वो ज्यादा सरल इजी सरल है जी। हाँ, और किसी के सेट किए गए स्टैंडर्ड के ऊपर आपको गाना हो जी, तो बड़ी एक चुनौती रहती है। हाँ, हाँ, कि सुनने वाले को मालूम है कि असली क्या है और नकली क्या है। जरूर। तो अनुपमा जी क्यों ना अब हम पाकिजा फिल्म का गीत सुन लें, आपने जो रीमिक्स में गाया है, लेकिन हम रीमिक्स नहीं सुनेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप रीमिक्स मत सुनाइए, लोगों को ओरिजिनल सुनाइए। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थमके रह गई है, वही थमके रह गई है, मेरी रात चलते
देशपांडे की क्या रेंज है और किस तरह से वो गाना गा सकती हैं। कुछ सवाल हैं, छोटे छोटे से सवाल हैं, छोटे छोटे से जवाब दीजिएगा। जैसे कि आपने बताया कि आपका मातृभाषा हिंदी तो है नहीं, हाँ जी, आप रही हैं मुंबई में, फिर ये हिंदी भी बहुत अच्छी आप बोल लेती हैं, मराठी तो खैर आपकी भाषा है, हाँ जी, मराठी आप बोल लेती हैं, आपने बताया कि आपने दूसरी भाषाओं के भी गीत गाए हैं, हाँ हाँ। तो ये भाषाओं पे इस तरह से किस तरह से आप पकड़ बना ली आपने, इसके लिए क्या किया आपने? मुझे लगता है कि हर सिंगर ये गा सकता है, उनको एक भगवान की देन होती है जो गाते हैं। जैसे आप सिखाएंगे उस तरीके से अगर मैं लिख लूं, और क्योंकि मैंने बंगाली काफ़ी गाए हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि एक बंगाली लड़की सिंगर नहीं गाएगी, ऐसे आपके प्रोनाउंसिएशन है ऐसे, वो गा गा के एक प्रैक्टिस हो जाती है। शुरू शुरू में मेरी गलतियाँ बहुत हुई, लेकिन अभी आराम से गा सकती हूँ, कोई अभी कोई दिक्कत नहीं होती। अनुपमा जी, आपसे मैं और एक कुछ जाती सवाल करना चाहूँगा। जैसे अनुपमा देशपांडे जब अकेली होती हैं, हाँ, फुर्सत के पल होते हैं, जब काम नहीं होता है, हाँ, तो क्या करती हैं? काम नहीं होता है तो क्या करती हूँ? मतलब मुझे... क्या रेडियो सुनती हैं? हाँ, रेडियो विविध भारती सुनती हैं कि नहीं सुनती? हाँ, हैं सुनती हूँ, अभी और ज्यादा सुनूंगी मैं, हाँ। ये क्या, एक तो टीवी वगैरह कुछ देखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, और मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे वाह, तो क्या खास डिश आप बनाती हैं? खास सिर्फ बनाने का ही शौक है या खिलाने का भी शौक? खिलाने का बहुत, बना के खिलाने का मुझे बहुत शौक है। जी जी, मैं हर तरह से, मतलब एक जो पंजाबी डिश हो या महाराष्ट्र स्टाइल, जो एक चाइनीज है, जो पर्टिकुलर एक उनका होता है ना, सरसों का साग, अभी जो सीजन चल रहा है वो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, आइसक्रीम्स अच्छा बनाती हूँ, केक्स अच्छा बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, आप कभी आइए घर पे, मैं खिलाऊं। जी जरूर, अब आप इतना कह रही हैं तो आप मुझे, मतलब टेम्पटेशन हो रहा है कि अनुपमा जी के घर जाकर सरसों का साग और मक्के की रोटी मैं जरूर खिलाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक महाराष्ट्रीयन घर में सरसों का साग और मक्के की रोटी का क्या स्वाद होता है ये जरूर। और मैके की, मैं कर्नाटक की हूँ इसलिए मैं इडली सांभर डोसा ये भी बहुत अच्छा बनाती। अरे वाह वाह, तो ये बड़ा अच्छा संगम हुआ है। जी जी। और इसी संगम पे अगर हम एक अच्छा संगम वाला कोई गाना, जिसमें गायकी भी अच्छी हो, म्यूजिक भी अच्छा हो, आवाज भी अच्छी हो और आपकी पसंद हो, तो क्या बात है। मैं किशोरदा की बहुत फैन हूँ, उनसे काफी कुछ सीखा है मैंने, तो उनको याद करके मैं गाना सुनाना चाहूंगी। ये ब्लैकमेल फिल्म का गाना है, पल पल दिल के पास। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार
रहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में और आपके बारे में और जानना चाहूँगा, हमारे सुनने वाले भी जानना चाहते हैं। अक्सर हमारे दोस्तों को ये जिज्ञासा रहती है कि वो जिनके फैन हैं वो अपनी जाती जिंदगी में कैसे हैं, कौन कौन उनके घर में हैं, किस तरह से वो अपना दिन गुजारते हैं, क्योंकि आपके गाने के बारे में या आपकी प्रसिद्धि के बारे में तो पेपर में पढ़ लेते हैं, अखबारों में, मैगजीन में, टीवी में देख लेते हैं, लेकिन जो कुछ खास बातें होती हैं जो लोग नहीं सुन पाते हैं। हाँ। जैसे कि मैं भी ये जानना चाहूंगा कि आपके परिवार में कौन कौन है। मुझे दो बेटियां हैं जी। बड़ी बेटी, दोनों दामाद मेरे सगे भाई हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बेटियां हैं उनकी उनकी शादियां हो गई दोनों बेटियों की। और बड़े दामाद जी आर्मी में मेजर हैं। हाँ। 4 साल वो कश्मीर रह के अभी उनको दिल्ली पोस्टिंग आई है जी, तो दिल्ली में रहती है मेरी बेटी, बड़ी बेटी। और दूसरी बेटी उनका पुणे में डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह उनका बिजनेस है जी। दो बेटियां हैं। दो बेटियां हैं। तो इन दोनों बेटियों में किसी में आपके गुण गाती मतलब है, गाने के गाती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा घरेलू टाइप की हूँ, तो एक अच्छा घर मिला बेटियों को तो वो बहुत संतुष्टि होती है माँ बाप को। करियर वगैरह तो है ही, लेकिन वो गाती हैं कभी आर्मी में, कभी कोई फंक्शन प्रोग्राम्स हो या इसमें गाती हैं। नहीं तो उन्होंने कभी जिद नहीं की कि वो गाने को या सिंगिंग को अपना करियर बनाएंगी इस तरह से जैसे आपने किया? नहीं, जिद नहीं की, और मैंने भी ज्यादा, और मेरी बेटियां ऐसे जिद करने वाली नहीं है, बहुत समझदार है जी। नहीं, आपका मतलब आपकी तरफ से भी कभी बढ़ावा नहीं रहा? मैंने बढ़ावा तो दिया आपकी आवाज जो, लेकिन एक मैंने इस लाइन में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, तो इसलिए मुझे
एक माँ होने के नाते मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटियों को ये स्ट्रगल ना करना पड़े जी, और इसीलिए मैंने ज्यादा एनकरेज नहीं किया। मैं मना नहीं किया लेकिन एनकरेज भी नहीं किया ज्यादा जी। गानों के तो आप देख रही हैं म्यूजिक की जो भविष्य है वो दिन पे दिन बदलता रहता है। हाँ, रोज हाँ। म्यूजिक की फील्ड में कुछ नया हो रहा है। अब आजकल एल्बम का चलन जी, आ गया जी, है जी। तो एल्बम वगैरह आपके किस तरह से इस नहीं, एल्बम वगैरह बीच में मेरा मन था लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एल्बम का लाइफ कितना होता है आजकल कुछ, और एक होता है कि एल्बम बनाओ उसके बाद वीडियो भी, जैसे कि आपकी लैंग्वेज ही बदल गई कि आपने वो गाना देखा क्या, ऐसे बोलते। गाना तो देखने वाली चीज है, सुनने वाली चीज है जी। लेकिन वो वीडियो ये वो सब, तो एक जो एक मूड था मेरा एल्बम बनाने का वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है अभी। ऐसा लगता है जितने भी गाने मिलते हैं, मैं शोज भी करती हूँ, एक मैं ठीक, अगर एल्बम अच्छा और थोड़ा सा कुछ सालों बाद कुछ अच्छा दौर आया बहुत ही अच्छा। तो, शोज आप करती हैं? जी हाँ, अभी भी करती हूँ। और हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर? हाँ, हिंदुस्तान के बाहर। इसमें आपके पतिदेव का जो, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि वो हाँ, भी ऑर्केस्ट्रा से जुड़े हाँ, रहे वो शुरू शुरू में आते थे लेकिन अभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, जैसे उनका मूड होता है। यानी अभी भी आप बेटियों की शादी के बाद अब आपने एक अलग एक, मुझे लगता है कि जल्दी शादी हो के मेरे बच्चों की भी जल्दी शादी हो गई, ये एक एडवांटेज होता है जी कि हम लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते। अच्छा अनुपमा जी, आपने बताया कि आप शोज भी कर रही हैं और अभी आपने एल्बम का जिक्र किया, तो एल्बम की उस पे मुझे एक बात याद आ रही है। जैसे कि आपने कहा कि आजकल लैंग्वेज बदल गई है कि गाना देखा क्या, हाँ, गाना वो गाना देखा क्या ऐसे होता है। तो आजकल ये जो एल्बम आ रहे हैं ये रीमिक्सेज आ रहे हैं, इनमें वल्गैरिटी भी बढ़ी बहुत ज्यादा, इसीलिए लोगों को एक जो इरिटेशन होती है रीमिक्स का, तो इसकी वजह से एक पिक्चराइजेशन इतना बुरा करते हैं कि जो पुराने गानों का जो एक फील, एक रोमांटिक, मतलब पुराने गानों का एक जो वो जो एक रोमांस वगैरह भी उसमें एक स्टैंडर्ड होता जी, था जी, और बहुत, और ऐसा नहीं था कि पुराने प्योर प्योरिटी नहीं थे, ये आजकल उसकी वजह से गाने का मीनिंग ही चेंज होता है। अगर आप पुराने गानों को देखें तो वो भी इतने हाँ, खूबसूरत, इतने मादक गाने बहुत, हुआ करते बहुत, थे कि उनकी मिसाल आज नहीं मिलेगी। हाँ जी, हाँ ऐसा जी, कोई गाना आपको हाँ पसंद जी, है हाँ, क्या? मैं कब से सोच रही हूँ ये जो आशा जी का जो गाना है हावड़ा ब्रिज का, मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। तो आइए मेहरवान हम सुनते हैं। Oh,
मचलती जिधर बिजली गिरा दी उधर, देखा मचलती जिधर बिजली गिरा दी उधर, किसका जला दिया बिजली कोई क्या खबर, किसका जला दिया बिजली कोई क्या खबर, आइए मेहरबान बैठिए जाने जा अनुपमा जी, आपसे बातें करते रहने का और इस तरह से गीत सुनते रहने का मौका मिले, मैं तो बस यही चाहूँगा कि आपको सुनता रहूँ, आपसे बातें करता रहूँ, लेकिन ये घड़ी जो है वो हमें इशारा कर रही है कि हमें जाना होगा, कि और हमारी जो प्रोग्राम की प्रोड्यूसर बैठी हैं वो सामने से वो भी कह रही हैं कि भाई अब जल्दी जल्दी समेटो और नमस्ते कहो, लेकिन उससे पहले इतना वक्त हमारे पास है कि हम आपसे ये ज़रूर पूछें कि आज जो सिंगर आ रहे हैं उनको किस तरह से अपने आप को मार्केट करना चाहिए। आपने जैसे बताया कि आपने बड़ा लंबा स्ट्रगल किया है और आपने वो दर्द को झेला है, इसीलिए शायद अपनी बेटियों को आपने इस तरह प्रमोट नहीं किया। हाँ। तो आप थोड़ा अब जो नए न्यू कमर हैं उनको भी अपने बेटे बेटी समझ के हाँ, जो शिक्षा हाँ, देनी चाहिए वो आप दें तो बहुत अच्छा होगा। एक यही कि क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है, उससे एक आवाज को एक जो क्या बोलते जैसे एक दिशा मिलती है, दिशा मिलती है और एक्सरसाइज जैसे ताने होती हैं वो जो एक ठहराव वगैरह वो क्लासिकल सीखने से ही आता है। एक तो रियाज करते रहो और अपना काम सिंसेरिटी से अगर काम करते रहो ना तो आपको फल मिलेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण और सुरीला उदाहरण अनुपमा देश पांडे तो हैं जी, थैंक यू। उनसे प्रेरणा लेते रहो और उनके गाने सुनते रहो और हाँ विविध भारती भी सुनते रहो। जी जी। तो अनुपमा जी, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप विविध भारती के स्टूडियोज में आई, अपने दिल की बातें, अपनी बातें, अपने गाने। और मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे जी नहीं, ये हमारा सौभाग्य है और इसके लिए हम फिर आपके शुक्रगुजार हैं। नमस्कार। नमस्कार। सरगम के सितारे, इस कार्यक्रम में अभी आप सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अनुपमा देश पांडे से अमरकांत दुबे की बातचीत सुन रहे थे। तकनीकी सहयोगी थे शशांक काटधरे। प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। इस कार्यक्रम को संयोजित किया कल्पना शेट्टी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सरगम के सितारे।